दांतों की हर बीमारी के लिए मेरठ का आधुनिकतम और उच्च तकनीक वाला क्लिनिक ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। आनंद डेंटल क्लिनिक A46 साकेत मूर्ति हॉस्पिटल चौराहा मेरठ। यूपी में कांवड़ यात्रा व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो इसके लिए सरकारी मशीनरी आवश्यक इंतजाम में जुट गई है। आज प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी और DGP DS चौहान ने मेरठ पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। मीडिया से वार्ता करते हुए अवनीश अवस्थी ने कहा कि इस बार कांवड़ यात्रा कुछ इस तरह से संपन्न होनी चाहिए कि केवल देश ही नहीं अपितु विश्व में भी इसका नाम हो। कांवड़ियों पर इस बार भी पुष्प वर्षा की जाएगी। जहां तक DJ का प्रश्न है तो सभी लोगों से बात की जा रही है, सभी अपनी सीमा तय करें और ऐसा कुछ भी ना करें जिससे दूसरे संप्रदाय को कोई परेशानी हो। कांवड़ियों की सुविधा का पूरे रास्ते पूरा ख्याल रखा जाएगा। इससे पूर्व मेरठ पहुंचने पर अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी और DGP DS चौहान ने सुप्रसिद्ध अवगणनाथ मंदिर का भी दौरा किया। अवगणनाथ मंदिर में बड़ी संख्या में कांवड़िए अपने आराध्य पर गंगा जल चढ़ाते हैं। आइए देखते हैं क्या कहा है अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे और DGP साहब को यहाँ भेजा है पूरे पश्चिम क्षेत्र के कांवड़ की समीक्षा के लिए। आज यहाँ पर हम लोगों ने कांवड़ क्षेत्र में पड़ने वाले जो सबसे सकरे मार्ग हैं उनका निरीक्षण किया है। यहाँ जो सबसे भव्य जहाँ पर कांवड़ की पूजा होगी, हम लोग ने अवगणनाथ मंदिर और उनकी मंदिर कमेटी के साथ भी निरीक्षण किया है। आपका कंट्रोल रूम भी जो प्रस्तावित है उसको देखा है। मैं केवल इतना कहना चाहूँगा, कोविड के बाद 2 साल बाद जो है कांवड़ यात्री हमारे जा रहे हैं, मेरी अपील होगी कांवड़ संघों से, कांवड़ हमारे जो श्रद्धालु हैं, कि कृपया सब लोग सहयोग करके मिलकर ऐसा खूबसूरत कांवड़ यात्रा का मिसाल पूरे देश और दुनिया में दें कि लोग देखें। जैसा आपको बताया गया है, हर विभाग यहां पर कमिश्नर, ADG, IG, DMSP सब लगे हुए हैं। हर विभाग अच्छे से अच्छा करने के लिए लगा हुआ है। कांवड़ मार्ग पर हर सुविधा, चिकित्सा की, सड़क सुधार की, बिजली की व्यवस्था की, इसके अलावा कांवड़ मार्ग में जो ट्रैफिक प्लान है उसको पूरा जो है व्यवस्थित करेंगे। आज अभी 11 बजे से मेरी और DGP साहब की बैठक भी सभी अधिकारियों के साथ होगी, लेकिन मैं इतना ही केवल कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बार का जो है सपना है कि कांवड़ यात्रियों के लिए हम ऐसी अभूतपूर्व व्यवस्था करें कि पूरे प्रदेश में और इसमें विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड हरिद्वार तक जाकर लाने में कहीं कांवड़ यात्रियों को दिक्कत ना हो। महिलाएं भी कांवड़ यात्रा में भाग लेती हैं, उनकी भी व्यवस्था मजबूती से हो। और जैसा किसी ने पूछा है, पुष्प वर्षा का निर्देश भी मुख्यमंत्री जी ने अपनी बैठक में दिया है, तो हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी होगी और कानून व्यवस्था के संदर्भ में पूरी व्यवस्था हमारी पुलिस और हमारे प्रशासनिक अधिकारी करेंगे। DJ के बारे में ये कहा गया है और निर्देश भी दिया गया है कि जो धार्मिक सॉन्ग हैं, जो धार्मिक व्यवस्था है, उसको एक निर्धारित मात्रा में बजाएं, लेकिन कोई भी ऐसी अव्यवस्था न करें या कोई किसी का धार्मिक भाव को कहीं ठेस न पहुँचे, ये खुद देखें। कांवड़ जो हमारे श्रद्धालु हैं, कांवड़ संघ हैं, उनको सेल्फ रेस्ट्रेंट भी मेंटेन करना पड़ेगा। अभी तक सभी कांवड़ संघों से सबकी बैठक हो गई है, कहीं कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है और कांवड़ संघ अपना पूरा सहयोग देंगे, ये सभी तरफ आश्वासन मिले हैं। हम लोग पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूती से लागू करने के लिए कटिबद्ध हैं। प्रेस से और मीडिया से जरूर हमारा निवेदन होगा, कहीं भी कोई कमी होगी तो हमें पॉइंट आउट करेंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर अगर कोई अव्यवस्था फैलाने की बात करता है तो जिला प्रशासन और पुलिस को इसको बताएंगे, जिससे मीडिया का भी हमको सहयोग मिल सके और हम लोग इस काम में सफल हो सके। इस मौके पर DGP DS चौहान ने यह जानकारी दी। ACS अवनीश अवस्थी जी, हम लोग आज आए हैं, कांवड़ यात्रा का जो प्रबंध किया गया है, जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं की गई हैं, पुलिस प्रबंध किया गया, उसका जायजा लेने के लिए आए हैं। अभी हम लोगों ने पूरा रूट देखा है, ये मंदिर देखा है, उसके बाद अधिकारियों से विचार विमर्श करेंगे, जो कमियां होंगी उनको दूर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों का स्वागत है, वो आएँ अपना हंसी खुशी के माहौल में, ईश्वर को ध्यान रखें, महादेव जी का ध्यान करें, चिंतन करें, मनन करें। पुलिस और प्रशासन पूरी व्यवस्था उनके लिए कराएगी। जो हमारे DJ का बजाने का है उसको भी हमने व्यवस्था रखी हुई है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार
डेसिबल जो है वो कंट्रोल में रखें और खूब अपने जैसे कहते हैं हर्ष और उल्लास के माहौल में अपना ये यात्रा इसको संपूर्ण कराएं। उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है कांवड़ियों के लिए अच्छी व्यवस्था करने के लिए। 2 साल से कांवड़ यात्रा नहीं हुई है, उसके लिए हमने एक्स्ट्रा अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, कैंप्स का, मेडिसिन का, साफ़ सफाई की व्यवस्था, लाइटिंग की व्यवस्था, पुलिस प्रबंध की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था की गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।